हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं कि आप विंडो 10 में अपने कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क है, चाहे कोई सी भी हार्ड डिस्क हो, आप उसका पार्टीशन कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डी नाम की डिस्क है, हम इसका दो पार्टीशन करना चाहते हैं, यानी इसमें से 50 GB अलग करना चाहते हैं, एक नई डिस्क बनाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना माई कंप्यूटर या डिस पीसी ओपन कर लेना है, आपके पास सेम ऐसा ही पेज आता होगा। फिर ऊपर की तरफ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैनेज, आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हल्का सा वेट लेगा और आपके पास ये वाला पेज आएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्क मैनेजमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारी ये वाली डिस्क है जिसका नाम है लोकल डिस्क डी, तो यहाँ पे ये रही लोकल डिस्क डी जो कि 244 GB की है टोटल। हम इसमें से 50 GB को अलग करेंगे, तो यहाँ पे हम इस पर करेंगे राइट क्लिक। हम इस पर आ गए हैं, राइट क्लिक करना है आपको इस पर जिसमें से आप पार्टीशन बनाना चाहते हो। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा श्रिंक वॉल्यूम, इस पर आपको क्लिक करना है। हल्का सा वेट लेगा यहाँ पे, यहाँ पे कहेगा टोटल साइज बिफोर श्रिंक, यहाँ पे अभी हमारा 25,000 है। फिर यहाँ पे कहेगा साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस, तो यहाँ पे आपको डालना है उतना GB जितने GB की आप उसमें से डिस्क बनाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे हम डालना चाहते हैं 50 GB की, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 50 GB होता है MB में 50,000, तो आप इसे कर लीजिए 50 MB यानी 50 GB। तो हम इसे कर लिया है हमने कैलकुलेशन, तो यहाँ पर हम डालते हैं 50,000। इसके बाद श्रिंक पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हल्का सा वेट लेगा। फिर यहाँ पे हमारी नई डिस्क आ चुकी है, आप देख सकते हैं, तो करीबन 48 GB की है, 1-2 GB कम हो जाता है। इस पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा न्यू सिंपल वॉल्यूम, आपको इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कहेगा असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, आप इसका लेटर क्या रखना चाहते हैं, हम जेड करेंगे। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर से फिनिश पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये हल्का सा वेट ले सकता है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं अपने डिवाइस में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू वॉल्यूम जेड आ चुका है, हमारी नई हार्ड ड्राइव यानी नई डिस्क बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।